तो ये जो गैप मेथड हम लोग ने सीखी है सर्कुलर के केस में, उसका एप्लीकेशन का ये काफ़ी एक बढ़िया एग्जांपल है। देखो, अपने पास एक क्विनडेकन है, ठीक है, मतलब एक 15-साइडेड पॉलीगन है, ठीक, एक 15-साइडेड पॉलीगन है। तो उसमें 15-साइडेड पॉलीगन में अपने को एक हेक्सागन बनाना है, सो दैट मतलब भाई 15-साइडेड पॉलीगन है तो उसके 15 वर्टाइसेस हुए तुम्हारे पास, ठीक है, 1 2। ये 15-साइडेड तुम्हारे पास पॉलीगन एक बना हुआ है, ठीक है। अब ये 15-साइडेड पॉलीगन में, ठीक, तुमको इसी के वर्टाइसेस का इस्तेमाल करके एक हेक्सागन बनाना है। बट वो हेक्सागन कंडीशन ऐसी है कि वो हेक्सागन जो बने उसमें, फॉर एग्जांपल तुमने V1 और V2 सेलेक्ट कर लिया, तो उसमें ये जो क्विनडेकागन की साइड है वो कैसा, हेक्सागन की साइड कॉमन नहीं रहनी चाहिए। इसका मतलब तुम V1 V2 सेलेक्ट नहीं कर सकते। हेक्सागन अगर तुम बना रहे हो तो V1 V2 सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि V1 V2 इज ऑलरेडी अ साइड ऑफ क्विंटागन। उसने क्या बोला है कि इफ नन ऑफ द साइड्स ऑफ हेक्सागन इज ऑल्सो द साइड ऑफ क्विंटागन, मतलब कभी भी साइड शेयरिंग नहीं होगी। तुम V1 अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें तुम V1 V2 नहीं सेलेक्ट कर सकते, ना तो V1 V15 सेलेक्ट कर सकते हो, ये सीन भी तुम्हारे पास नहीं बनेगा, ठीक है क्या। तो बेसिकली सवाल कैसा क्लासिक केस है गैप मेथड का, किस तरह से कि आउट ऑफ 15 वर्टाइसेस तुम्हें 6 वर्टाइसेस सेलेक्ट करने हैं, 6 वर्टाइसेस आर टू बी सेलेक्टेड, 6 वर्टाइसेस आर टू बी सेलेक्टेड सो दैट नो टू आर कंसिक्यूटिव, ठीक है, नो टू आर कंसिक्यूटिव, यही सीन है अपने पास, ठीक है। तो काफ़ी आसान है ये। जैसे पहले क्या करो, अपनी गैप मेथड लगाने के लिए 15 वर्टाइसेस हैं, 6 वर्टाइसेस हटा दिए तो बाकी बची 9, ठीक है, ये 9 वर्टाइसेस है मेरे पास, ठीक है। अब ये 9 वर्टाइसेस में, इसका मतलब 10 गैप्स हो गए मेरे पास, तो ये 10 गैप में 6 वर्टाइसेस सेलेक्ट कर लो। अब उसमें वाले केसेस हटा दो फिर, जब तुमने कैसा इसको और इसको सेलेक्ट कर लिया होगा, तो इसको और इसको सेलेक्ट करते हुए बाकी बचे तुम्हारे पास 4 गैप्स, ठीक है। जैसे भाई तुमको उतने नंबर ऑफ वेज इन विच G1 एंड G10 आर ऑलवेज सेलेक्टेड, ये तुमको हटाने पड़ेंगे, और ऑलवेज सेलेक्टेड तो इसके नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे भाई, G1 और G10 को अगर तुमको हमेशा सेलेक्ट करना ही है तो तुम्हारे पास 6 गैप्स तुमको सेलेक्ट करने थे, G1 और G10 तो तुम्हारे भर गए, तो बाकी बचे 4 गैप्स, ठीक है। 4 गैप्स तुमको 8 गैप्स में से सेलेक्ट करने, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गैप्स कितने बन रहे थे तुम्हारे पास, 10 गैप्स टोटल नंबर ऑफ गैप्स है, 2 ऑलरेडी भर गए हैं, तो तुम्हारे पास 8 गैप्स बचते हैं, 8 गैप्स में से तुमको 4 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो 8C4, तो ये नंबर होगा नंबर ऑफ वेज इन विच गैप्स G1 एंड G10 आर ऑलवेज सेलेक्टेड, ठीक है। तो फाइनल आंसर तुम्हारा हो जाता है 10C6 माइनस 8C4, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, बाय गैप मेथड। और इसको अगर तुम इस तरीके से ना करो तो बाकी तुम्हें पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है करके, ठीक है क्या। दुनिया भर के पछड़े होते हैं फिर, ठीक है, उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा, खैर इस तरीके से करना, ठीक है क्या। ये की है, ठीक है क्या, ये वाला की है सब्ट्रैक्शन, ठीक है क्या, क्योंकि उसमें जब तुम्हारे पास, अगर मान लो कहीं खुदा ना खास्ता अगर ये दोनों गैप्स अगर सेलेक्ट हो गए, तो जब तुम वापस से स्टिच करोगे सर्कल में, वापस से इसको फॉर्म करोगे, इसको वापस सर्कुलर बनाओगे, तो